नमस्कार ये मैं अपनी डिस्क में आया है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नाम का फोल्डर है जिसमें मेरा कुछ डाटा पड़ा हुआ है तो मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ रिसाइकिल भी में चला गया होगा यहाँ पे भी आके मैं डिलीट कर देता हूँ ठीक है अब ये जड़ से डिलीट हो गया है इसे वापिस कैसे लाना है इसी के बारे में हम आज बात करेंगे मतलब डाटा रिकवरी कैसे करनी है इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले गूगल पे आ जाइए जिसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे हिरन बूट थ्री लिख के सर्च कर देंगे वैसे इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा काफ़ी काम का सॉफ्टवेयर है इससे डाटा रिकवरी नहीं और भी छत्तीस तरीके की चीज कर सकते हैं तो अब यहां पर डाउनलोड का जो बटन है होने की तो आईसो फाइल फाइनली हमारी डाउनलोड हो रही है अब यह फाइल डाउनलोड होने के बाद इसको आपको ड्राइव के अंदर बूट करवाना है और ड्राइव में कैसे बूट करवाते हैं उसको देख लीजिएगा क्योंकि बूट करवाते समय एमबीआर और जीपीटी होता है तो कंप्यूटर के हिसाब से मैचिंग करवानी पड़ती है और पेनड्राइव में बूट करवाने के बाद आपको उसी पेनड्राइव को अपने कंप्यूटर में बूट करवाना है जिस कंप्यूटर का आप डाटा रिकवरी करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में कैसे बूट करवाते हैं इसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है सो चेक कर लीजिएगा तो अभी मैंने ये सॉफ्टवेयर वाली पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में बूट करवा लिया है बूट होने के बाद यहाँ पे लोडिंग फाइल करके दिखेगा अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ चार पांच सॉफ्टवेयर होंगे एक नहीं चार पांच सॉफ्टवेयर होंगे एक नहीं दूसरे से दूसरे से नहीं तीसरे से तो आपका डाटा रिक्वायर हो ही जाएगा और आपको बता दूं इस काम के लिए वैसे तो मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कुछ एम तक का डाटा रिक्वायर करते हैं जैसे कि सौ एम बहुत सारे ऐसी मेहरबानी करते हैं कि दो चार जी रिक्वायर कर देते हैं लेकिन मैं जो आपको सॉफ्टवेयर बता रहा हूं इससे दो चार जी

आपको डाटा रिकवरी का फोल्डर दिखेगा के बारे में मैं पूरा रिवीव दे चुका हूं। जितने भी सात आठ सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं ये सारे डाटा रिकवरी करने के काम आते हैं तो मैं भी इसमें से कोई एक ओपन कर लेता हूँ जैसे तीसरे नंबर वाला ओपन किया लोडिंग डिस्क इंफॉर्मेशन वगैरह आने लगेगा अब ये पूछ रहा है कि आप जिस डिस्क से डाटा रिकवरी करना चाहते हैं उसको क्या फास्ट

झटके में मार दिया तो बाकी का भी ये कंप्लीट कर ही दिया है लगभग सर्चिंग वाज कंप्लीट ठीक है ओके अब यहाँ पे आपको ई डिस्क दिखेगा जो मेरी है अब इसके अंदर आने के बाद आपको क्या करना है वो फोल्डर बाद को ढूंढना है जो आपका डिलीट हुआ है उस फोल्डर के अंदर जो जो फाइलें थी वो पहले ढूंढनी है क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है ना कि इसने इस तरीके से सर्च किया है कि बहुत पुरानी पुरानी चीज भी सर्च कर लेता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो मेरी जो फाइल डिलीट हुई है वो

वाली डिस्क है कहां गई इसमें से डिलीट हुई थी लेकिन मैं इसमें नहीं सेव करूंगा अब एफ डिस्क में सेव करूंगा तो एफ डिस्क यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं थोड़ा नीचे करूंगा कहां गई ये रही ठीक है अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां पर सेव फाइल पर क्लिक करिए और ये कुछ इस तरीके से इसका गोला वोला घूमने लगेगा गोला तो नहीं एक लंबी सी लकीर थी चलिए अब हमारी डाटा रिकवरी कंप्लीट हो गई है अब मैं क्या करूंगा अपनी वही एफ डिस्क में आता हूँ यहाँ पे एक रिक्वर्ड डाटा करके फोल्डर है इसके अंदर आ जाइए ई फोल्डर दिख रहा है इसके अंदर आने के बाद आपको दिख जाएगा कि ये वाली हमारी इमेज फाइल है जो डिलीट हुई थी सब कुछ गड़बड़ हो रही है मतलब ये काम नहीं कर रहा है तो जैसा मैंने आपको बताया छह सात तरीके के सॉफ्टवेयर हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैंने ये सॉफ्टवेयर आपको इसीलिए बताया कि एक के अंदर आपको आठ दस सॉफ्टवेयर मिले जा रहे हैं तो काफी अच्छी चीज रहेगी आपके लिए अभी मैं आप आपसे यहीं पर याद चाहता हूं लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा कोई विचार वगैरह हो तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं चलते हम लेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना जय हिंद जय भारत